खान साहब, आपके पास जो कुछ भी है बता दें, हम भी हकायक बताएंगे। इमरान खान के इल्जामात को पछाड़ने के लिए मुनहरिफ पीटीआई रहनुमा अलीम खान भी मैदान में उतर आए। कहा, सैकड़ों एकड़ जमीन लीगल करवाने का इल्जाम झूठ है। अलीम खान का यह है कि उन्होंने 300 एकड़ जमीन ले ली रावी के अंदर, वो लीगल करवाना चाहते थे और रावी के बेल्ट के ऊपर इलीगल है जमीन। खान साहब जिस 300 एकड़ की बात कर रहे हैं, मैंने वहाँ के लोकल जमींदारों से जमीनें खरीदी हैं। उनके केसेस नैब में भी थे, उनके केसेस जिस दिन चाहे जिस जगह चाहे आए प्रोग्राम करते हैं। जरा आवाम को पता तो लगे कि असल चेहरा क्या है। अब वो जिधर चले गए हैं, क्लियरली ये है कि उनके लिए करप्शन कोई इशू नहीं है। कल के गहरे दोस्त आज के सख्त हरीफ, कप्तान और उनका साबिक खिलाड़ी आमने सामने आ गए। इमरान खान के इल्जामात पर अलीम खान भी खुलकर बोल पड़े। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को मुनाज़रे का चैलेंज देते हुए कहा, आपके पास जो कुछ है बता दें, हम भी हकायक बताएंगे। मैं आपसे चाहता हूं कि आप आए किसी चैनल पे बैठे, साथ मुझे भी बिठाएं, साथ जंगीर तरीन को भी बिठाएं और फिर लोगों के सामने सच बोलते हैं हम तीनों, फिर पता लगे आपका कि आप क्या कह रहे थे और हम क्या कह रहे थे, आपका क्या मौकफ था, हमारा क्या मौकफ था। मुनहरिफ पीटीआई रहनुमा ने कहा कि 300 एकड़ जमीन लीगल करवाने का इल्जाम झूठ है। मैंने जमीन एक्वायर नहीं कराई बल्कि जमींदारों से खरीदी है। खान साहब जिस 300 एकड़ की बात कर रहे हैं, मैंने वहाँ पे जमीन कोई जो है वो एक्वायर नहीं कराई, मैंने वहाँ के लोकल जमींदारों से जमीनें खरीदी हैं। गुज़श्ता रोज़ साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने यूट्यूबर्स के साथ नशिस्त में पीटीआई के साबिक सूबाई वज़ीर अलीम खान पर इल्जाम लगाए थे।